नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के मौजूदा सुरक्षा एवं विकासात्मक परिदृश्य पर चर्चा करने के साथ ही उन्हें प्रदेश कैबिनेट द्वारा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उसके वास्तविक रूप में पुनर्बहाल करने संबंधी प्रस्ताव से भी अवगत कराया। वे आज यानी कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की पहली निर्वाचित सरकार की कमान संभालने के बाद उमर अब्दुल्ला का यह पहला दिल्ली दौरा है और केंद्रीय गृह मंत्री से यह उनकी पहली मुलाकात है जो लगभग 30 मिनट तक चली। उमर अब्दुल्ला बुधवार दोपहर को ही श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन उनके करीबियों ने बताया कि उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर में विभिन्न बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से नियमित धन प्रवाह और सर्दियों के दौरान कश्मीर घाटी में बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित बनाए रखने में सहयोग का आग्रह किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के जरिए जरूर बताएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।